यशोदा दादा, मेरे पैसे वापस कर दो, ये मेरे पूरे दिन की कमाई है। गुच्ची गुच्ची मार, गुच्ची मार। थैंक यू गुची। यार दिनू, कार्निवल में क्या लड़कियां आती हैं यार, काली गोरी लंबी छोटी दुबली मोटी, एक से एक टॉप क्लास। आहिस्ता आहिस्ता, अगर भैया को तेरी इन हरकतों का पता चल गया तो। भैया कभी गैरेज से बाहर जाते हैं क्या? हाँ, कभी कभी सामान खरीदने मार्केट जरूर जाते हैं, बाकी ना आना ना जाना ना किसी से मिलना। अरे अगर भैया की तरह लड़कियों से नफरत करने लगे ना तो चल चुकी जिंदगी। अरे दिनू तुझे क्या बताऊं, जब लड़कियां यहां सर रखती है ना। अरे जैक लगा मर गया। अरे इसीलिए तो कहता हूं कि भैया की बात को भगवान की लेख समझकर हमेशा माना कर, तू समझता ही नहीं। कमाल आदमी है या लीडर, खड़े खड़े भाषण बदल दिए। भैया भैया, इसलिए मैं भैया की हर बात नोट करता हूँ, और मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि भैया के उसलू की किताब छपाऊंगा, ताकि वो किताब पढ़कर लोग भैया के बताए हुए रास्ते पर चल सके। आस्ते, आस्ते, भैया। आस्ते। ये क्या है, ये कैसे बाल बनाए तूने? नहीं, ऐसे बाल नहीं बनाना कभी। हम लोग ऐसे बाल बनाना जो है बहुत गलत माना जाता है। ऐसे ये है, ये चपटे करके देखो। अच्छा तू रोज बस यहाँ से कहाँ जाता है? भैया कार्निवल। वो तो नहीं आती है ना। वो क्या भैया? अरे लड़की। लड़की, ये क्या चीज? वो अच्छा अच्छा, वो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, जो मुंह में लाली वही ना, मतलब वो लोग नहीं आते हैं। वो तो सब स्कूल के बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और मैं उनके साथ झूला झूलता हूँ। आंखों को क्या ठंडक पहुंच रही है यार, ये भगवान ने लड़कियां बनाकर हम जैसे पर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ। ये रॉबिन क्या कर रहा है यहाँ? साला फिर लड़की लेकर आया, चल इसकी लड़की उड़ाते हैं। हाँ चलो चलो, मगर कैसे? कैसे? अरे लड़की को जाकर कह देंगे साला शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। बच्चे? हाँ। मगर वो तो कुंवारा है, लड़की थोड़ी मारेगी। अबे यार ये मुझ पे छोड़ना। अंकल हैं? अंकल नहीं, दोस्त हैं। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मतलब मैं इनकी दूसरी बीवी को जानता हूँ। दूसरी बीवी? हाँ, इसकी पहली बीवी मर गई, इसलिए दूसरी शादी करनी पड़ी। ये कैसे हो सकता है? वो तो कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। इसका मतलब रॉबिन तीसरी शादी कर रहा है। उसके बच्चों का क्या होगा? उसके बच्चे भी हैं? चार, बड़े मासूम और भोले। रास्कल, कमीना, झूठा कहीं का, उसने मुझसे ये सब बातें छुपा कर रखी। आज के बाद मैं उस मनुष्य की शक्ल तक नहीं देखूंगी। ये तो अच्छा हुआ आप मिल गए,
वरना भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है माधुरी जी। माधुरी नहीं, भावना। भावना कितना सुंदर और शीतल नाम है, और वो कमीना आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। छी 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 छी, चलिए आप मेरे साथ चलिए। भावना नहीं, मेरे भावना जी ये भिखारी आपको बहन जी कह रहे हैं। शादी को क्या करना वाले, अबे भीख मांग रहा है, शादी की बात कर रहा है। अच्छा शादी, भावना बहरा है। समझ गया समझ गया, आपको बहन जी कह रहा है, इसने आपको प्यार से बहन जी कहा है, तो आप अपने शुभ हाथों से इसे कुछ भीख दे दीजिए। क्या हो रहा है, मुंह लटका क्यों खड़े हो तुम लोग? नाके पे ना नया क्लब खुला है, कल रात पगार मिलते ही हम सब वहाँ जुआ खेलने चले गए, सारी पगार हार गए दीनू भैया। हमारे साथ चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है हमारे साथ। तुम कुछ करो ना दीनू भैया, नहीं तो सारा महीना हम लोग भूखे रह जाएंगे। क्या बे, चुप, फाइटिंग करेंगे। पहले वादा करो कि आज के बाद तुम लोग जुआ नहीं खेलोगे। वादा करते हैं, हम आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, आज रात को हम दोनों क्लब जाएंगे। चल बच्चे शो कर। तू खुली चीटिंग करके जा रहा है? हाँ ये खुली चीटिंग है, जो तूने भी मेरे वर्करों के साथ किया था। मैं उनके पैसे लेकर वापस जा रहा हूँ। तू यहाँ से पैसे लेके नहीं जा सकता। क्या कुछ ही सारे पैसे मिल गए। आप लोग पूरे कपड़े पहने रहे तो अच्छा है, वरना इंसान तो इंसान जानवर भी बिगड़ने लगे। चले चल। वो तो अच्छा हुआ कि क्लब में पुलिस नहीं आई, वरना सब गड़बड़ हो जाती।
तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम और गैविन ये शहर छोड़कर चले जाओ। मैं नीचे जाता हूं, कुछ नए कस्टमर आए हमारे नोट खरीदने के लिए। दोस्तों, आज जुर्म की दुनिया में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक प्रजापति का नाम और दूसरा इनका काम, ये जाली नोट बनाते हैं। इन जाली नोटों का भाव क्या है? दो का एक, मतलब ये कि जितने जाली नोट आप मुझसे लेंगे उसका आधा असली नोटों में मैं आपसे लूंगा। 2 लाख जाली नोटों के बदले में 1 लाख असली नोट हमें मंजूर है। आप अपने ऑर्डर्स हमें लिखवा दीजिए, डिलीवरी हम आपको अपने ट्रक्स में कर देंगे। थैंक यू। तुम वर्मा ट्रांसपोर्ट की आड़ में जाली नोट सारे हिंदुस्तान में भेजते हो, अगर माँ बेटे को पता चल गया तो? उन माँ बेटे को कभी पता नहीं चलेगा, उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि वो बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बस मैं जहां कहता हूं साइन कर देते। और कुछ? हाँ मैडम, ये कुछ ब्लैंक चेक्स हैं, इन पर भी साइन कर दीजिए। माँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन रॉबी, कल ही तो तूने 10,000 लिए थे। लेकिन इतने पैसों का तू क्या करता है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा ये दोस्तों को छोड़, ऑफिस जाना शुरू कर, मैनेजर साहब का हाथ बटा। मैडम, अभी ये बच्चा है, काम करने के दिन थोड़ी हैं इसके, और फिर करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है, ये पैसा खर्च नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ये लो बेटे। थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माँ। अच्छा मैडम, चलता हूँ, गुड नाइट। मालकिन, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन बरसों से इस घर का नमक खाया इसलिए चुप भी नहीं रह सकता। आप मैनेजर साहब पे इतना विश्वास करके अच्छा नहीं कर रही। नहीं रामू, मैनेजर बाबू हमेशा हमारा भला ही सोचेंगे। उनके जाने के बाद मैं तो पूरी टूट गई थी। अगर मैनेजर बाबू ने हमारा कारोबार ना संभाला होता तो हम बर्बाद हो गए होते। मैनेजर बाबू हमसे कभी धोखा या गद्दारी नहीं करेंगे।